साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? नहीं, जैसे साधारण भाषा में अपन बोले क्या, जो अपने पास जो भी प्रिंसिपल है, जो अपना इन्वेस्ट अमाउंट कर रहे हैं ना, जितने पैसे अपन इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पे ओनली ब्याज मिले, ओनली ब्याज मिले। अगर मैं बोलूं आपके पास पी रुपए, ठीक है, इस पे 8% के हिसाब से कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज मिलेगा, वो सेकंड ईयर में कितना हो जाएगा? सेकंड ईयर में ये हो गया, थर्ड ईयर में यही हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, जो आपका प्रिंसिपल होता है ना उसी पे इंटरेस्ट मिलता है, जो प्रिंसिपल होता है उसी पे इंटरेस्ट मिलता है, हर साल ओनली प्रिंसिपल पे मिलेगा। जो इंटरेस्ट मिल चुका वो ऐसे कैसे रहेगा, इस पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, प्रिंसिपल और इसका इंटरेस्ट, या इसको ऐसे लिख सकते हो, ये तो ये क्यों लिखा ऐसे, प्रिंसिपल हो गया, अब दूसरे ईयर का कितने हो गए, इतना अमाउंट हो गया, तो ये तो दूसरे साल का ये अमाउंट प्लस जो इंटरेस्ट मिला है तीसरे साल में वो, तो ये किस पे मिला है, ओनली प्रिंसिपल पे, ओनली प्रिंसिपल पे मिला है। तो इससे अपन क्या लिख सकते हैं, जो ऐसा ही होता है पी इंटू आर इंटू टाइम यही होता है कि जितने टाइम के लिए, अभी 2 साल के लिए था 2PR/100 हो गया था, 3 साल के लिए क्या रहेगा 3PR/100। तो ओनली क्या बढ़ रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे ये बढ़ रहा है, तो जितने टाइम का लगेगा उससे मल्टीप्लाई, अगर 2 साल के लिए तो 2PR/100, 3 साल के लिए तो 3PR/100, यही हो रहा है। तो अपना ऐसा ही क्या हो गया, ये अगर इसके लिए पूछे अमाउंट कितना हो जाएगा 2 साल बाद में, तो कितना होगा पी प्लस एस आई, प्रिंसिपल प्लस एस आई, अमाउंट पूछे तो प्रिंसिपल प्लस एस आई, ये नोट करो फिर क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्लास से है ना आपकी है, आपसे रोज़ मैं क्वेश्चन पूछूंगा कौन से किए और कौन से नहीं हुए, ठीक है, देखते हैं कि कहाँ तक दिक्कत आती है। और आप लोगों को दिक्कत आए यहाँ पूछ नहीं सकते तो मेरे नंबर व्हाट्सएप कर देना, अगर आपको यहाँ से पूछने में दिक्कत आती है पहुँच नहीं थे मतलब एजिटेशन हो व्हाट्सएप पे करना, आपको पहले सॉल्यूशन मिलेगा, अगर वो समझ में नहीं आए तो क्लास में फिर और बाद में आके बता देंगे।
अबे क्वेश्चन लिख लो। ₹800 का ₹800 का 18% के हिसाब से ₹800 का 18% के हिसाब से 6 महीने के लिए ऐसा ही ज्ञात करो, साधारण ब्याज ज्ञात करो। जो परसेंटेज देते हैं है ना, जो ये कितने किस पे देते हैं 18% पर एनएन पूरे साल के लिए देते हैं, तो टाइम 6 महीने का दे रखा है, तो साल में चेंज करोगे कितना हो जाएगा 1/2। कैसे करेंगे इसको? टाइम कितना हो जाएगा साल में? वर्ष में चेंज करेंगे ईयर में, तो कितना हो गया? अब ऐसा ही का फॉर्मूला लगा दो सीधा, पी कितना है आर टी नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो।
कितने वर्षों में 72 रुपीस कितने वर्षों में 72 रुपीस 6 से 1/4% की दर से ₹81 हो जाएगा। पहले तो ऐसा ही निकालना, इसका ऐसा ही कितना बन रहा है, अमाउंट दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है, पहले तो ऐसा ही निकालो। ऐसा ही क्या होता है, इसमें से इसको कम कर देंगे तो ऐसा ही आ जाएगा। अमाउंट में से प्रिंसिपल को कम कर देते हैं, ऐसा ही क्या होता है, अमाउंट होगा ऐसा ही प्लस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल दे रखा है, अमाउंट दे रखा है, ऐसा ही निकालना है। अमाउंट में से प्रिंसिपल कम कर देंगे, ऐसा ही आ जाएगा, फिर ऐसा ही वाला फॉर्मूला लगाना है, टी की वैल्यू निकालनी है। प्रिंसिपल को इधर लाओगे तो माइनस ही तो करना पड़ेगा ना अमाउंट में से, अमाउंट 81 है, प्रिंसिपल इधर आएगा तो माइनस होगा, 81 में से 72 माइनस होगा तो ऐसा ही आ जाएगा वो। आया कि नहीं, ऐसा ही कितना हो जाएगा, 81 माइनस 72 9 हो गया, इस वाले फॉर्मूले में रख दो, ऐसा ही 9 है, पी कितना है 72, आर कितना है 3, याद करना है। अब कितना हो गया, कितना बच गया, 80। कितना गया, अब आज टी इक्वल टू हो गया 9 × 4/18, यही होगा। तो टी हो गया 2 ईयर,
कौन सा? एक चीज बताओ, वो क्या इसी से निकाला है? आप जो बता रहे हो एस आई को 100 से मल्टीप्लाई कर दो और जो आ रहा है वो उसको डिवाइड कर दो, बात वही है। कंफ्यूज हो जाओगे। अब इस वही है, अब इसके तीन फॉर्मूले बन जाएंगे ना। अब इसके बना दो तीन, इसी के क्या है पी हो जाएगा कितना, एस आई इंटू 100 अपॉन आर टी, आर हो जाएगा एस आई इंटू 100 अपॉन पी टी, और टी हो जाएगा एस आई इंटू 100 अपॉन पी आर, ये होगा। अब ये सब ये बताओ कि फॉर्मूले आपके पास इतने सारे हैं, तीन एक्स्ट्रा और याद करो हैं? नहीं, आपके लिए तो ठीक है, आपको तो थोड़ा आता है इसलिए आपके लिए इजी है, जिनको नहीं आता जिनको हार्ड लगता है उनके लिए फिर एक फॉर्मूला ये याद करना हार्ड हो जाता है, तो तीन याद करने और भी ज़्यादा। और क्या शॉर्टकट होगी? नहीं नहीं बताएंगे, इसका भी बताएंगे बाद में, अगर होगा ना कोई जैसे बड़े क्वेश्चन होते हैं ना उनमें लगते हैं। अब सो ट्रिक ये होगी इसकी, अब जो आपके पास 9 आया है ठीक है ना, ये 72 का कितना परसेंटेज है? 9 है, 72 का कितना परसेंट है ये ही निकालोगे, कितना हो गया 1/8 कितना होता है, 12.5% होता है। और आपके पास कितना दे रखा अभी, ये दे रखा था, अब इसको कितने मल्टीप्लाई करेगी, ये 12.5 हो जाए, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या है? कितने साल आए? ऐसे नहीं करो कि वो 9 प्रिंसिपल का कितना परसेंटेज है और अपने हिसाब से रेट कितनी है, तो रेट को किससे मल्टीप्लाई करें कि वो ऐसा ही वाली परसेंटेज आ जाए। ये वाले क्वेश्चन जब बड़े आएंगे ना तब काम आएगी। क्वेश्चन लिखो, ₹2000 की राशि का साधारण ब्याज ₹40 बढ़ जाता है, यदि समय को 4 वर्ष बढ़ा दिया जाए, तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए।
4 साल बढ़ाई है। चार वर्ष बढ़ाई है ना, अपन ने स्टार्टिंग में देखा था कि जब भी एक साल बढ़ रहा है तो क्या बढ़ रहा था, PR अपॉन 100 बढ़ रहा था इंटरेस्ट, है ना। जब भी अगर 2 साल का भी डिफरेंस निकाले या 3 साल का भी डिफरेंस निकाले तो क्या रहता था, PR अपॉन 100। एक साल के लिए PR अपॉन 100, 2 के लिए 2 PR/100, 3 के लिए 3 PR अपॉन 100। यानी कि अगर कितने भी सालों का डिफरेंस निकाले अपन, है ना, अगर मैंने SI2 और SI1 का डिफरेंस निकालूंगा, 4 साल का डिफरेंस है तो 4 PR अपॉन 100 आएगा। जब भी इंटरेस्ट का अगर डिफरेंस निकालोगे SI में पहले क्या था, P, फिर हो रहा था P+PR/100, फिर हो रहा था P+, ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा ये। ऐसे ही हो रहा था, ये बोल रहा है कि मैंने जैसे सपोज करो पहले यहां पे था, इसने बोला 4 साल बढ़ाऊंगा, अगर मैंने 1 साल बढ़ाया तो कितना बढ़ा, 2 PR बढ़ेगा, ओनली PR बढ़ेगा, एक साल में 1 PR बढ़ेगा, इससे फिर कितना बढ़ेगा, 2 साल में 2 PR, इसमें भी 1 बढ़ेगा ना, इससे तो 1 बढ़ रहा है, इसमें कितने का डिफरेंस है दोनों में, 1 PR, फिर कितना बढ़ रहा है, यानी कि हर साल कितना बढ़ रहा है ओनली। अब ये बोल रहा है 4 साल में कितना बढ़ जाएगा, 4 साल में 4 PR/100, 1, 2, 3 और 4, 4 हो गए, तो कितना हो जाएगा दोनों का डिफरेंस, 4 PR/100, और अपने पास कितना दे रखा है, 40 दे रखा डिफरेंस। पी कितना दे रखा है, पी दे रखा है ये, आर निकल जाएगा, कितना हो गया,
क्या हुआ? ठीक है, इसमें तो पी की तो वैल्यू रखी, बस पी की वैल्यू रख दी। अब इसके नीचे आ जाएगा आर इक्वल टू 40 डिवाइड बाई 4 इंटू 20, ये गया 2, 1/2। जितने साल का डिफरेंस दे, जितने भी साल का डिफरेंस, 4 साल एक्स्ट्रा हो रहा है उतने साल का ये आ जाएगा 4 PR/100। 5 साल का देता तो 5 आ जाता, तो यहाँ पे अपन वही लिख सकते हैं PRT/100, दोनों SI का डिफरेंस PRT/100। जितने साल का डिफरेंस बढ़ेगा, क्योंकि हर साल कितना मिलेगा इंटरेस्ट, PR/100। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन होता, 1000 रुपये 2 साल के बाद में 20 रुपये बढ़ रहा है, तो रेट कितनी आएगी? 1%। प्रिंसिपल 1000, टाइम 2 साल के लिए बढ़ा रहे हैं और ऐसा ही बढ़ रहा है 20 रुपये। कितना आया? 1%। कितना है आपका? 1 आ गया। तेरे कितना आ रहा है? आएगा तो 1 ही। SI का डिफरेंस कितना दे रखा है? 2। टाइम कितना दे रखा है? 2 साल का। प्रिंसिपल कितना है अपना? 20-20 हो गया दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो।
हूँ देख के नीचे। क्वेश्चन लिखो, किसी धन का साधारण ब्याज उसका 1/9 गुना हो जाता है। क्या हुआ? फंडामेंटल्स की क्लास नहीं होगी? कल ही बता दी थी ये तो, कल नहीं आए ना? कल नहीं आई थी, मैं कल कॉलेज था, आज भी था पर आज दो क्लासेस थी इसलिए नहीं आई। ओ गांव गए सर। अब 21 से स्टार्ट होगी अपनी, 21 से होगी प्रॉपर। साधारण ब्याज उसका 1/9 गुना हो जाता है यदि समय तथा दर की संख्यात्मक मान बराबर हो, दर ज्ञात कीजिए। संख्यात्मक मान बराबर का मतलब समझे क्या? कि मतलब अगर आर 2% है ना तो टाइम भी दो साल का है, अगर आर 3 साल है 3% है तो टाइम भी 3 साल है, यानी कि 3 3 2 2। हाँ, रेट और टाइम दोनों सेम है। संख्यात्मक ये संख्यात्मक मान यानी कि R की अगर जो वैल्यू है, इसका मतलब ये होगा प्रिंसिपल पी है, आर एक्स है, टी एक्स ईयर है और एस आई है P/9। तो एक्स की वैल्यू याद करनी है अपने को। अगर आ रही तो आएगी ना। रेशियो में बता दो, आज तो नए टॉपिक स्टार्ट हुआ या ये है कि बिल्कुल छोड़ना अपने को? दो ही घंटे हैं ये तो रोज चलेगी 2 घंटे। कोई नहीं, आराम से पीछे खा लिए, पंखा चल रहा है। नहीं आप बोलो ना, पढ़ना नहीं है तब बोलो। सब लिख दिया, प्रिंसिपल पी है, रेट है एक्स परसेंट, टाइम है एक्स ईयर और ऐसा ही है P/9। तो सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगाओ और उससे एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स को क्या निकालना है? एक्स निकालना है, एक बार रखो तो सही, उसमें फॉर्मूले में वैल्यू तो रखो, ऐसा ही है वो रखो, पी रखो, आर रखो, टी रखो। टेन
तो 10/3 क्या है परसेंटेज? पिछले क्वेश्चन का है, जितना बोला उसमें करो ना, एक्स्ट्रा क्यों जा रहे हो? मैंने ये बोला इस वाले फॉर्मूले में रखो बस। कोशिश करो SI की वैल्यू अगर P by 9 दी अब ये पी बाई नाइन है, इधर है ना पी अपॉन नाइन है, तो एक्स को इधर रखो, एक्स स्क्वायर हो जाएगा दोनों को, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा इधर, बाकी को सबको उधर ले जाओ। 100 ऊपर आ जाएगा इसके और पी नीचे चला जाएगा, तो 100 पी अपॉन 9 पी हो जाएगा, पी से पी कट जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 100/9। एक्स नहीं कटेगा, नहीं कटा, रूट निकालो, है किससे काटा? हाँ ये तो पी की वैल्यू रख दो, रखने की कहाँ जरूरत है, ये देखो ना इधर SI कितना है, पी अपॉन नाइन ऐसा ही है, प्रिंसिपल पी है, एक्स इंटू एक्स यही है, तो बोला क्या है आर ओ टी का जो संख्यात्मक मान है ना ये सेम है, कुछ नहीं ये वाली वैल्यू उसमें पुट किया। कौन सी वाली? ये तो रखी थी, ये सॉल्व करो सर, इसमें आ रहा है 100 p/9 2x2। ये हुआ अपनी वैल्यू किसकी निकालनी है, एक्स की निकालनी है, एक्स को ऐसे के ऐसे इधर रख लो, बाकी को इधर ले आओ, तो कितना हो जाएगा ये, होगा कि नहीं होगा? ये पी भी तो आएगा नीचे, ये पी भी तो नीचे आएगा, तो ये 100 ऊपर जाएगा, कितना रहा इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, पी से पी कट गया। अब ये बताओ ये किसका स्क्वायर है और ये किसका स्क्वायर है, टेन किसका स्क्वायर होता है, टेन का स्क्वायर कितना होता है 100, 3 का स्क्वायर, तो इसको ये लिख सकता हूँ मैं, टेन बाई थ्री का स्क्वायर है इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई, हाँ उससे क्या होगा 100 तो वैसे भी कट रहा है, किसकी जगह पी की जगह आपने कितनी रखा, फिर नहीं आया ऐसा ही 10 हो गया, टेन और ये कितना 90, एक्स स्क्वायर तो ऐसे कैसे रहेगा, 100 भी ऐसे कैसे रहेगा, ये इधर आएगा 90 इधर जाएगा, वही 0 से 0 कट रहा है, वही 100 से 9 आ रहा है,
कहाँ दिक्कत आई, कहाँ गलती कर रहे हो? 90 का ये 10% निकलता है, 10% 90 का कितना होता है ये बताइए। हाँ तो कितना होता है? 1% बनाया था, ये 1 बनाया था। यही तो करोगे ना? इसमें इसमें क्या डिफरेंस है क्या, ये देखो एक बार। तो ये पूछ रहे 1-1 कैसे है का? 10-90 का कितना परसेंट है ऐसे ही तो निकालते हैं। 10-90 का कितना परसेंट है? अब इसमें इसमें क्या डिफरेंस है देखो बताओ। तो जो वो 11 आया ना, हाँ वो किसकी वैल्यू है? एक्स स्क्वायर की वैल्यू है। अच्छा उसको रूट करना है। पिछले क्वेश्चन में वो क्या किया था, रेट दे रखी थी उसका, नहीं रेट या टाइम में से एक चीज़ दे रखी थी, तो उसको किससे मल्टीप्लाई करें कि वो इसके इक्वल हो जाए। सपो आपके 11 पॉइंट कितनी आ गई, 11 पॉइंट ये आ रही थी, ठीक है ना, ये आ रही है। पर ये किसके बराबर है, अगर आपको अगर कोई रेट देता, ये आर टी की बराबर आती है, आर ओ टी के मल्टीप्लाई में आता है वो, ठीक है ना। अगर आपको एक चीज़ दे रखी है और दूसरी पूछे तब काम आता है वो, कि एक परसेंटेज दे दी या रेट दे दिया, टाइम दे दिया, तो उसके किससे मल्टीप्लाई करें कि वो हो जाए, इसलिए वो काम आता है डायरेक्ट वाला। वो दोनों का मल्टीप्लाई है आपके 11 वाला। अब जो पिछले वाला क्वेश्चन किया था उसमें ये करो, 1/9 की जगह 1/4 करके बताओ। प्रिंसिपल क्या है, पी वो रेट एक्स, एक्स ईयर और एस आई है P/4, तो एक्स की वैल्यू याद करो। स्कूल गया था वो 10 और 9 था दोनों का। अच्छा 25 का आंसर है। कितना आया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। X² आ रही है, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, X² तो एक्स की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। 1200
1200 तथा 1000 रुपये को तीन साल के लिए एक ही दर पर उधार दिया जाता है, यदि दोनों राशियों के साधारण ब्याज में अंतर 30 रुपये हो तो दर ज्ञात कीजिए। अमाउंट अभी ज़रूरत ही नहीं है, वैसे बता दिया। अमाउंट होता है SI प्रिंसिपल प्लस SI, और अगर उसमें होता है सीधा अमाउंट इक्वल टू पी प्लस CI। CI में क्या है, जब फॉर्मूले से निकालते वो अमाउंट ही आता है, जो CI वाला फॉर्मूला लगाते हैं ना उसमें, उस फॉर्मूले से सीधा अमाउंट आता है, तो उससे CI निकालना पड़ता है प्रिंसिपल कम करके। इसमें क्या होता है SI आता है, और प्रिंसिपल में अगर SI जोड़ेंगे तो अमाउंट आएगा। अमाउंट क्या होता है कि जैसे अगर आपको बोले कि 2000 रुपये है 10% की रेट से, दो साल के लिए उसको साधारण ब्याज पे दिया जाता है, तो दो साल बाद में उसके पास कितना राशि हो जाएगी, यानी अमाउंट कितना हो जाएगा उसका, तो पहले SI निकलेगा, फिर प्रिंसिपल में ऐड होगा SI, वो होगा अमाउंट। इसमें तो ये दे रखा है प्रिंसिपल, एक ये दे रखा है 1200, 1000 दे रखा है, रेट दे रखी है दोनों के लिए सेम, और टाइम दे रखा 3 साल, और दोनों का डिफरेंस दे रखा 30। SI1 लिखो फिर SI2 लिखो, दोनों का डिफरेंस निकाल के रेट निकालो। 36 कितना है? 36 है? 10% आ रहा है भैया जी। आपने ये क्या किया ये डिफरेंस था तो प्लस करना चाहिए था ना, SI1 के इक्वल टू SI2 प्लस 30। SI1 इक्वल टू SI2 प्लस 30 करना चाहिए। अब क्या करना है, ये जीरो से ये जीरो, हाँ दोनों में इसमें भी कर दो, और इन दोनों का डिफरेंस दे रखा 30। हाँ जब नीचे वाले में काट दिया तो ऊपर वाले में क्यों नहीं कटेंगे, नीचे वाला तो सेम ही तो है। हाँ कितना हुआ, कितना दे रखा इसका अपने को, 30 10 आ रहेगा, ये 3 कौन मल्टीप्लाई करेगा इससे, 30
तो 6R के बराबर कितना दे रखा है? 30. तो R कितना हो गया? 12 माइनस 10 हाँ, इसमें 3 का दे दो, 1 साल का निकल जाएगा, ये 3 साल का है तो 1 साल का 3 के भाग दे दो, यही तो बोला था मैंने, तो 1 साल का सीधा लगा दो, फिर 1 साल का 10 आ रहा है तो कितना आ जाएगा? 200 का 10% कितना, 10 कितना परसेंट हुआ? 0.5. हाँ, अब तो सब मिल गया ना, अब तो आपके पास प्रिंसिपल दे रखा है, रेट निकल चुकी है, ऐसा ही भी आ जाएगा, दोनों का कितना क्या बनेगा, तो अब तो जो पूछेगा वो बता सकते हैं, जो पूछेगा वो बता सकते हैं, रेट ही तो नहीं थी अपने पास, तो बेसिक से तो हो गया, कितना आ रहा है? 5 आ गया. आपका कितना आ रहा? नहीं आओ, इधर देखो क्या दे रखा अपने को. SI1 कितना हुआ? R निकालना है. T कितना है? SI1 यही होगा, P1 इंटू R इंटू T बाई 100. SI2 कितना होगा? यही होगा, PR इंटू T बाई 100. अब इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है, कितना दे रखा है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? इनको मल्टीप्लाई करो या ऐसे कैसे रख लो, ये कितना हो गया? 36R और ये 30R. 30R 12 इंटू 3 36R. अब इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया अपने हिसाब से? 6R का है ना, 6R. और अपने क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 30. तो R कितना हो गया? 0.5% में तो ये होता है कि आपका जो प्रिंसिपल होता है ना, उसी पे इंटरेस्ट मिलता रहेगा आपको, ओनली प्रिंसिपल पे, जितना आप लोगों ने इन्वेस्ट किया होगा पैसे, या कहीं किसी को उधार दिया है, कहीं बैंक में जमा किया है, वही तो होगा. आपको कोई रेट दे रखी होगी कि बैंक में 6%, सपोज करो आपको बैंक में 6% मिल रही है, हर साल 6% मिलेगा, आपने 100 रुपये जमा करवा दिए, जैसे ही साल पूरा होगा तो आपके कितने रुपये हो जाएंगे? वो 106 रुपये. साल का जैसे एंड हुआ तो 6% इसका 6 रुपये हो गए, तो 6 रुपये आपके अकाउंट में ऐड हो जाएंगे. फिर अगले साल वही अगर आपने कुछ पैसे निकाले नहीं, ना ऐड किया है, तो अगले साल फिर 6 रुपये ऐड हो जाएंगे, ऐसा चलता रहेगा. और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जो आपको 6 रुपये भी मिले ना, इसका भी इंटरेस्ट मिलता है, जैसे 6 रुपये का फिर 6% फिर निकालना पड़ेगा, ये फिर इसमें ऐड और हो जाएगा, तो ज़्यादा तो हो गई, 0.36 और एक्स्ट्रा होगा. सौ रुपये थे 6% के हिसाब से, ये मिला आपको, अगले साल फिर 6% के हिसाब से, 6 तो ये था ही, 6 इस साल का मिल गया, किस पे? 100 पे. अब इस 6 का भी 6% यहाँ मिलेगा,
जो 6 रुपये एक्स्ट्रा पिछले साल आ चुके थे ना, उसका भी 6% फिर एक्स्ट्रा मिलेगा CI में। ये होगा CI में अपने कंपाउंड इंटरेस्ट में। अगर आपने तीसरे साल के लिए फिर कैलकुलेट किया, वही 6% है, कुछ लेन देन नहीं किया, तो अगर 6 का तो 100 का तो 100 रहेगा ही। इसमें 6 पहले ये ऐड हो गया, ये ऐड हो गया, और 0.36 ये तो ऐड हो चुके हैं, ठीक है ना। अब नया वाला क्या आएगा, एक तो इसका 100 का 6% आ गया, अब इसका आएगा कितना, इसका कितना आएगा, और अब इसका फिर 6% निकालना पड़ेगा, 0.36 का फिर 6% निकालना पड़ेगा, वो फिर यहाँ पे ऐड होगा, ये फिर आपका अमाउंट हो जाएगा 3 साल बाद में। बैंक नहीं खोला मैंने, बैंक नहीं खोल रखा, मेरे को पता नहीं है, तो हमें भी नहीं पता, आपको पता होना चाहिए, क्यों। अच्छा, तो कल को तो फिर आप बोल दोगे कि वो PM कौन कौन सी धाराएं अप्लाई करने करता है, क्या करता है, वो सभी उसमें कुछ नहीं होगा, ये रहेगा ना आपका, ये एक कुछ लिमिट तक फिक्स हो जाएगा, वहाँ तक आप नहीं निकाल सकते, कुछ लेन देन नहीं कर सकते इसमें। अमाउंट ऐड कर सकते हो, प्रिंसिपल ऐड करते सकते हो उसमें, है ना, और उसके बाद मतलब निकाल नहीं सकते उसको, ये ऐड होता रहेगा आपका। और जैसे अगर 20 साल का, 15 साल का, 10 साल का, जितने साल का आपने कर रखा है एफडी, उतने साल तक आप उसमें कर नहीं सकते, आपका वो इंटरेस्ट चेंज मतलब इंटरेस्ट जोड़ता है उधर। फिर और क्या होगा ये बताओ, सिंपल इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसमें। और एक काम करना, अगर इन चीज़ों को नॉलेज लेनी है ना, एक दिन बैंक चले जाना, वो आपको अच्छी तरह पूरी डिटेल बता देंगे, वो एक्स्ट्रा स्कीम और बताएंगे आपको कि इस वाली स्कीम में ये होता है, इस वाली स्कीम, नहीं नहीं पूरी स्कीम बताएंगे। नहीं नहीं लंच हो रहा है, अगर आप उनको ये, नहीं नहीं मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपको ये है ना, उनसे बोलोगे ना मेरे को FD करवानी है, ये करवानी है, वो करवानी है, वो आपको आगे बोलेंगे, और भी आ जाएंगे घर पे, आ जाएंगे वो लोन वाले, तो यही कह रहा हूँ ना, उनको बोलो इंटरेस्ट के लिए वो खुद कुछ भी करेंगे। ट्यूशन लिखो, $2,000 का साधारण ब्याज, ₹40 बढ़ जाता है, नहीं 11 तक ये चलेगी, 11 से फिर एक रीजनिंग चलेगी, आज 1 बजे हो जाएगी, कल से छुट्टी है, 21 को मंडे को है, क्यों पिछली बार 2 दिन की 10 दिन चला गया, हाँ तो एग्जाम दे लेना, तो रात द्वारा तो राजसमंद में है ना, वहाँ से बाद में मिला, क्या लिखा दिया, ₹2,000 पे साधारण ब्याज ₹40 बढ़ जाता है, यदि यदि ₹2,000 का SI ₹40 बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाएगा, ₹40 बढ़ जाता है यदि दर को 2% बढ़ा दिया जाए, तो टाइम ज्ञात कीजिए,
तो ये बताओ ऐसा ये वाला कौन सा होगा, ये ऐसा ही कौन सा होगा? पहले ऐसा ही क्या रहेगा? कैसे गलत है सर, इसमें क्या गलत है? कितना आया? अरे दो सौ बना नहीं, टी भी नहीं है। पहले ये देखो, पहले सपोज करो अपने पास ऐसा ही वन है, क्या होगा वो? ये होगा। अब ये बोल रहा है अगर मैंने रेट को 2% बढ़ा दिया, ये कर रहा है, तो ऐसा ही कितना हो जाएगा? यही बोल रहा है। ऐसा ही वन की जगह ये रख दो, ये तो क्या बेसिक से बता रहा हूं। अब इसको सेकंड मेथड से बताऊंगा कैसे करते हैं इसका। ये अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, कैसे होगा ये वाला? पी आर टी बाई 100 प्लस ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं इसको खोल के? पी ओ टी को इधर ले आओ, फिर पी टी से आर से पी आर टी प्लस फिर 2 × PT/100। इसको खोला ही तो है, ब्रैकेट को खोला है, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया पी टी को, ये होगा। इसके इक्वल क्या है? ये। अब उसको करो, अब इसको मैं तोड़ सकता हूँ या इसका एलसीएम ले लो। इसका एलसीएम लोगे क्या होगा? यही होगा क्या इधर? इसका एलसीएम ही लिया है, एलसीएम 100 ले लिया, तो 100 से इसका किया 1, तो पीआरटी और इसका 1 था तो 100 से मल्टीप्लाई हो गया 14 × 100। और इधर ये वाला ये लिख दिया, अब इससे कट जाएगा, इससे ये गया, ठीक है। अपने पास क्या बचा है? इक्वल में बचा है ये रहा, एलसीएम लिया ना इसका,
अब पीआरटी से पीआरटी कट जाएगा, इक्वल में है उधर, है ना, इधर आके माइनस में हो जाएगा तो कट जाएगा। अब ये कितना है अपने पास, टू पी की वैल्यू कितनी है, टी इक्वल टू 40 इंटू 100 यही दे रखा है। कहाँ गलती कर रहे थे, ये तो हो गया आपका बेसिक से। उसकी आदत है, चलो फिर ये उसमें देखते हैं, टाइम एंड स्पीड, ट्रेन वाली में स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम आता है, देखते हैं ट्रेन ट्रेन वाली में देखते हैं, किलोमीटर में देंगे मीटर, ओ किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करें तब क्या करते हैं, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में तो 1000 × 60 होगा ना, एक किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और आवर एक घंटे में 60 मिनट होते हैं तो 1000 × 60 को होगा। अच्छा ये 60 × 60 नीचे आता है वो, तो इसमें सर मीटर पर सेकंड तो 1000 / 60 × 60 सीधा ये याद रखते अब ये तो होगा बेसिक से, अब मेरे को एक चीज़ बताओ, प्रिंसिपल सेम था, प्रिंसिपल सेम था, टाइम भी सेम था, सेम ही रहेगा ना, उसने रेट ही तो बढ़ाई है, वैसे टाइम निकालना अपने को, रेट क्या की है, प्लस टू की है। अब जो इंटरेस्ट में इंक्रीज होगा एसआई में जो डिफरेंस आएगा वो इसी 2% के कारण आएगा, जो भी एसआई में डिफरेंस आएगा, जो भी एसआई में डिफरेंस आएगा वो किसके कारण आएगा, इसी 2% के कारण आएगा। अगर रेट में इंक्रीज हुआ है तो एसआई भी इंक्रीज हो रहा है, कितना 40, तो प्रिंसिपल जो रेट में इंक्रीज है वो टाइम और जो एसआई में इंक्रीज है वो, तो एसआई में इंक्रीज कितना है 40, प्रिंसिपल कितना है, रेट में इंक्रीज कितना है 2% है इंक्रीज, और टाइम को निकालना है, वही आ रहा है क्या है, टी कितना आ रहा है, एक ही आ रहा है। तो हमेशा एसआई में है ना, अगर कोई भी टाइम बढ़ाए या रेट बढ़ाए
तो जो SI में डिफरेंस होता है ना, वो उसी के कारण होता है, टाइम और रेट में या प्रिंसिपल में, जिनमें भी डिफरेंस करेगा ना। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में डिफरेंस क्या था, प्रिंसिपल का डिफरेंस था ना, प्रिंसिपल अलग अलग थे, प्रिंसिपल अलग अलग थे, टाइम और रेट सेम थी, है ना। तो उसका जो डिफरेंस है किसके SI में डिफरेंस आएगा, वही उसके कारण ही आएगा। तो हमेशा ये चीज़ याद रखना, SI में एक में डिफरेंस हो और दोनों कांस्टेंट हो, कोई सी भी एक में डिफरेंस दे रखा हो और दूसरे में वो कांस्टेंट है, तो जो डिफरेंस आएगा ना SI के डिफरेंस, उसी के कारण आ रहा है, तो उसका डायरेक्ट उसी का निकाल दो, अलग अलग निकालने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अपने डिफरेंस 40 दे रखा था, रेट में जो डिफरेंस दे रखा था 2% दे रखा था, तो रेट का डिफरेंस 2 हो गया और SI का डिफरेंस 40, बाकी प्रिंसिपल सेम था, टी के याद करना था। पिछले वाले में भी अगर डिफरेंस प्रिंसिपल का था, उसमें था 200 का डिफरेंस, है ना, रेट कितनी थी, XX थी, क्या थी, दोनों फाइंड करनी थी ना, टाइम कितना था और SI में डिफरेंस कितना था, इससे एक्स कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, और वैसे कर रहे तब भी 5। तो हमेशा अगर डिफरेंस दे रखा हो किसी भी चीज़ में, तो जो डिफरेंस होता है वो जो ज्ञात करना है वो, और जो बाकी दे रखा है जो SI में डिफरेंस उसके बराबर होगा। चालीस को बीस कर दे तो 6 महीने तो आधा कर दोगे, तो जो टाइम आएगा उसको डबल करना पड़ेगा, ऐसा ही आधा कर रहे हो ना, तो आधे साल का ही तो हुआ वो, जब भी टाइम आएगा इससे कितना आ जाएगा, अगर इसको 20 कर दोगे तो टी कितना आ रहा है, 0.5, तो 0.5 मतलब आपने आधा किया पहले ऐसा ही, उसको अब टाइम डबल करना पड़ेगा। तो जो फाइंड ऐसा ही फिर आधा किया, अच्छा क्वेश्चन अलग है, अच्छा क्वेश्चन अगर 20 दे रखा है ना, हाँ तो 0.5 है तो 6 महीने, हाँ 0.5 का मतलब हो गया 6 महीने। क्वेश्चन लिखो, कोई राशि 10 वर्ष में बढ़कर अपने से दोगुना हो जाता है, अपने से दोगुना हो जाता है, तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज की दर SI की रेट, रेट तो निकालनी है, क्वेश्चन ये है, कोई भी प्रिंसिपल है 10 ईयर बाद में डबल हो जाता है खुद का, ठीक है ना, वो बोल रहा है कि अगर डबल हो जाता है तो उसको SI की रेट याद करनी है, प्रिंसिपल डबल हो जाता है, डबल कैसे करोगे, ये नहीं दे रखा
रेट नहीं दे रखा। प्रिंसिपल कितना दे रखा है? रेट ज्ञात करनी है। टाइम कितना दे रखा है? अमाउंट कितना दे रखा है? यही तो दे रखा है। यही दे रखा है, अमाउंट दे रखा है 2p। रेट निकालनी है, प्रिंसिपल दे रखा है, तो ऐसा ही कितना होगा? ऐसा ही कितना होगा? अमाउंट 2p है, प्रिंसिपल p है, तो ऐसा ही कितना होगा? कितना आया? a माइनस पी नहीं हुआ, a सब दे रखा है, 2p माइनस पी होगा सर, p ऐसा ही p हो गया ना। ऐसा ही p है, प्रिंसिपल भी p है, रेट पूछा है, टाइम दे रखा है 10 साल। रखने में गलत कर रहे हो। आपको क्वेश्चन में ये देखना होता है कि मतलब जो अमाउंट दे रहा है कि ऐसा ही दे रहा है, क्या दे रहा है वो, है ना। अब इसमें ये बोला था कि जो भी राशि थी, यानी कि जो भी अमाउंट वो प्रिंसिपल था, 10 ईयर के बाद में वो डबल हो रहा है, डबल हो रहा है, तो वो ये नहीं कह रहा कितना बढ़ रहा है। अगर ये बोल, हाँ बोला कि 10 साल में प्रिंसिपल डबल हो रहा है, तो वो अमाउंट बता रहा है, ऐसे नहीं बता रहा कि वो 2 गुना ज़्यादा हो रहा है, डबल ही हो रहा है। अगर ये बोलता है 2 times मोर, तो ऐसा ही होता 2p उस टाइम पे। क्वेश्चन में ये याद रखना, मतलब जब भी अगर वो बोले 2 गुना हो रहा है, डबल हो रहा है, तो वो होगा अमाउंट। अब वो कहे 2 गुना से बढ़ रहा है, 2 गुना से यानी 2 गुना अधिक है, तो वो ऐसा ही हो जाएगा उस टाइम पे, 2p अमाउंट होगा जब 2 गुना हो रहा है या डबल हो रहा है। इंग्लिश में बोलेगा डबल हो गया, है ना, तो डबल होएगा तो 2p, तो वो हो जाएगा अमाउंट। और वो बोलेगा 2 times मोर देन प्रिंसिपल, 2 times मोर देन, अगर वो बोले 2 times मोर देन, तब 2p हो जाएगा आपका SI। 2 times मोर देन बोले ना, उस टाइम पे होगा SI। ऐसा ही कितना है? आर ज्ञात करनी है। आर कितना हो गया? एक और क्वेश्चन लिखो। इक्वल टू 10 नहीं है, नहीं, आंसर हाँ तो नीचे लिखा करो। अब इसमें अगर 10 कर दोगे ना, तो इससे आंसर गलत हो जाएगा। अगर इसमें आपने 10 लिख दिया, तो इसका मतलब हो गया कि अगर 10 हो गया तो इसको इक्वल इधर लाओगे तो 100 हो जाएगा आर। उसको 10 को काटा ऊपर सामने से ये वाला, क्योंकि गलती फिर बाद में पढ़ने में गलती हो जाएगी वो। और देखो फिर पी को बाहर छोड़ दिया, पी इक्वल टू PRT/100। ये
वही राशि 12 वर्ष में बढ़कर 4 गुना हो जाती है। 12 वर्ष में बढ़कर 4 गुना हो जाती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, साधारण ब्याज की दर याद कीजिए, एसआई की रेट याद कीजिए, साधारण ब्याज की दर याद कीजिए। हैं? पी तो होना होगा 4 गुना, जो राशि थी आपके पास।